अलैकुम, आपका दोस्त साजिद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस SUV की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमर H2 SUV की। लोगों ने पिछली दफ़ा मुझसे दो क्वेश्चन किए थे कि वाई हमर इज़ सो एक्सपेंसिव और दूसरा हु मेड हमर। जी हाँ, हर बंदा यही समझता है कि GMC ने हमर बनाया था। जी नहीं, ये कंपनी है AMG, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जर्नल। जी हाँ, ये स्टेट ऑफ इंडियाना में फैक्ट्री है जो कि मिलिट्री की व्हीकल बनाती है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था GMC के साथ H2 हमर बनाने के लिए। हमर H1 के बाद उन्होंने हमर H2 बनाया था, जिसको उन्होंने 2002 में पब्लिक किया आवाम के लिए बेचने के लिए, और ये बहुत लिमिटेड एडिशन था। 2002 से ओनली 2009 तक ये टोटल बना है। 2002 से 2007 तक वन स्पेसिफिकेशन थी, 2008 और 9 की थोड़ी सी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन थी। जो 2002 से 2007 तक बना है उसका इंजन 6.0 लीटर था, और जो 2007 के बाद 2008 और 9 में बना है उसके इंजन की पावर 6.2 लीटर V8 थी। तो आपके साथ पहले इसकी एक्सटीरियर की शेयर करेंगे इन्फो कुछ। आप ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल हमर इस 2007, और ये इसका हमर टिपिकल जीप स्टाइल क्रोम ग्रिल, और इसके हुड के ऊपर आप ये देखें एयर स्कूप क्रोम का हमर, ये क्रोम पैकेज है। एक्चुअली ये 2007 क्रोम पैकेज है, इसकी एवरीथिंग मेड बाय क्रोम। ये इसका मेटल का बहुत स्ट्रांग बम्पर, इसके पुलिंग हुक्स ये देखें दोनों साइडों पे। उसके बाद आप इस साइड पे आए, बहुत ब्यूटीफुल लुक, स्मॉल हुड, इसकी ऊपर लाइट्स, और इसके बाद आप इसकी ये देखें टायर साइज। इसका जो रिम साइज है वो बहुत ही यूनिक है। जो इसके रिम है वो 30-inch रिम है, अनबिलीवेबल बिग रिम, 30-inch बिग रिम्स है। उसके बाद इसका ये क्रोम का यहाँ पे ये वेंट है। उसके बाद इसका विंग मिरर H2 क्रोम के साथ, H2 का लोगो। उसके बाद इसके टिपिकल आप देखें कि मिलिट्री स्टाइल के डोर होते हैं, क्योंकि ये AMG ने बनाया है तो ये मिलिट्री टाइप की बिल्कुल इसकी शेप है। और ये इसका रूफ रैक आप देखें हमर, अगर आपने उसके इस पर सामान रखना है रूफ रैक के साथ, ये इसका बैक डोर। उसके बाद रेयर टायर, बहुत ही बिग 30-inch का रिम, और इसके फुट स्टेप्स आप देखें क्रोम के हैं। इसकी हर चीज़ क्रोम की है क्योंकि ये क्रोम पैकेज है। इसके डोर हैंडल क्रोम के हैं। उसके बाद आप इसका ये देखें, ये इसका गैसोलीन टैंक का कवर है, ये भी क्रोम का है, और एज़ यूजुअल इसका 32 गैलन का टैंक होता है, 32 गैलन इसके अंदर गैस आ सकती है। उसके बाद आप अगर इसके रेयर में आए तो एवरीथिंग क्रोम, क्रोम लाइट कवर्स, क्रोम की ट्रिम्स, और मेटल का सॉलिड बम्पर। और उसके बाद इसका फुल साइज एक्स्ट्रा टायर विथ क्रोम, इट सेज हमर। उसके बाद इसके ये पुल करने के हुक, बिकॉज ये रियली ऑफ रोड आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी क्रोम, फिर इस साइड पे सेम स्पेसिफिकेशन, क्रोम हैंडल, क्रोम का फुट स्टेप और क्रोम के रिम। इसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे इसकी इंटीरियर की डिटेल, आपको इसका इंटीरियर शो करूंगा। इसका इंटीरियर टिपिकल जीप स्टाइल का है, बहुत फैंसी कार, लग्जरी कारों की तरह नहीं होता क्योंकि ये ऑफ रोड व्हीकल है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मिलिट्री बेस है। अब ये देखिए इसका स्टेयरिंग बेक लाइक जीप स्टाइल, इसके वेंट लाइक बिल्कुल जहाज की तरह। इसका साउंड सिस्टम जो है वो बॉस का साउंड सिस्टम लगा है। अगर आप स्पीकर देखें तो बॉस के स्पीकर नीचे ये देखें, ये बॉस का सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद आप इसका ये देखें, ये सारा कंट्रोल पैनल रूफ के अंदर, लाइट्स का, सारी इसकी लाइट्स, एक्सटीरियर लाइट जो बाहर लगी हैं वो भी। फिर इसका ये कंपास सिस्टम लगा हुआ है मिरर के अंदर, और ये इसके ऑडोमीटर्स, और इसकी गेज देखें वो पुराने स्टाइल की बिल्कुल है। उसके बाद अगर आप डोर पे आ जाएं
तो ये जो इसके डोर के अंदर ये देखें, टू पैसेंजर की मेमोरी सिस्टम एज यूजुअल अगर दो ड्राइवर चलाते हैं, हीटिंग सीट्स हैं, मिरर कंट्रोल है और ये सारी विंडोज ओपन एंड क्लोज और लॉक करने का सारा कंट्रोल पैनल इसके अंदर है। उसके बाद आप इसका गियर लीवर देखें एज यूजुअल हमर का लाइक एरोप्लेन की तरह। उसके बाद इसका ये पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल देन ड्राइव देन 3-2-1 अगर लो आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो लो गियर में आपने चलाना है। लेदर बहुत ही ह्यूज लेदर कुशी सीट्स हैं, बहुत ही ड्रिंक होल्डर दो यहाँ पे हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपार्टमेंट है स्मॉल, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं बिलोंगिंग, इसके पीछे तीन बंदे बैठ सकते हैं और उसके पीछे एक एक्स्ट्रा सीट जो कि मैंने आपको शो की थी। अब आप इसका देखें, ये इसका सनरूफ है, इसकी काफ़ी बड़ा रूम है इनसाइड और वेरी स्ट्रॉन्ग और ज़मीन से बहुत ही ऊँचा है क्योंकि ये रियली ऑफ रोड बना हुआ है लेकिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही वाइडर है। और जो इसका कर्ब साइड वेट है वो तकरीबन 6400 इसका कर्ब साइड वेट है 2002 से 2007 तक। 2008 और 2009 का कर्ब साइड वेट थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, वो 6416 lbs है। तो ये इसके इंटीरियर की स्पेसिफिकेशन है, ये इसके गियर मोड है, इसी तरह फोर व्हील ड्राइव ऑल द टाइम है। ये देखें ये फोर व्हील ऑन है इसका, इस वक्त फोर व्हील लो फोर व्हील हाई, ठीक है ये ऑलवेज फोर व्हील ड्राइव है। अब मैं आपको शो करूंगा इसके इंजन की थोड़ी सी डिटेल। टिपिकल जीप स्टाइल अनलैच किया है और ये जीप की तरह ही इस तरह खुलता है और आप ये देखें ये है इसका इंजन फुल साइज एवरीथिंग पैक्ड कम्पैक्ट और इसकी पावर है 6.0 लीटर 6000 cc क्योंकि 2002 से 2007 तक 6000 cc इंजन आया है 5000 टॉर्क के साथ और 393 हॉर्स पावर के साथ। और जो 2008 और 9 का मॉडल था वो 6.2 लीटर V8 इंजन था बट इसका जो इंजन है वो 6.0 V8 393 हॉर्स पावर विद 5000 टॉर्क के साथ। अब आप यहाँ पे देखें ये फुली पैक्ड है कॉम्पैक्ट वेरी ब्यूटीफुल इंजन है, वेरी पावरफुल और वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन है। बैटरी भी उसकी देखें आप पूरी कवर हुई हुई है, एवरीथिंग कवर है इसके अंदर। और ये टिपिकल जीप स्टाइल है, आप ये देखें ये ओपन ऐसे होता है और ये क्लोज भी ऐसे, आप इसको बिल्कुल क्लोज कर दें और इसके लैच भी बिल्कुल जीप की तरह है, ये देखें ये लॉक हो गया। अब आपको इसका मैं कार्गो एरिया और ट्रंक एरिया दिखाता हूँ, कार्गो एरिया और ट्रंक एरिया दिखाता हूँ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये देखें यहाँ पे इसकी ये पिन लगी है सेफ्टी, पहले आप इसको प्रेस करके सेफ्टी पिन को आउट करेंगे फिर आप इसको अनलैच जब करेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा टायर पूरा रोल बैक हो जाएगा, ये देखें इस तरह। उसके बाद ये इसका हैंडल है, आप इसको खोलेंगे तो ये ट्रंक ऊपर चला गया। ये इसका कार्गो एरिया है, यहाँ पर तकरीबन खड़े करके दो सूटकेस फुल साइज़ आ सकते हैं। और ये जो सीट है ये इसमें ऑर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा लगवाई गई है क्योंकि ये सीट इसमें आती नहीं है, ओनली ये 5 सीटर होता है लेकिन ये जो इसमें सीट लगी है ये ऑर्डर पे लगवाई गई है। और ये जो आप देख रहे हैं टू नॉब्स, ये यहाँ से आप जो है अपने टायरों को इन्फ्लेट कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं हवा टायरों में भरने के लिए, यहाँ से आप अपने चारों टायरों को इन्फ्लेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट यहाँ पर ये अडाप्टर लगा है, इसके थोड़े बहुत टूल्स हैं, ये इसका कार्गो एरिया है एक्चुअली स्मॉल लेकिन इसके साथ एक सीट एक्स्ट्रा लगवाई गई है तो थोड़ा सा ये कम्पैक्ट, यहाँ पे खड़े करके दो सूटकेस आ सकते हैं। इसी तरह इसका ये बहुत ही स्ट्रांग बम्पर है क्योंकि ये जीप स्टाइल, और ये इसका टोइंग हिच, आप यू डोंट बिलीव इट कि ये 8200 lbs 8200 पाउंड ये टो कर सकता है ये हमर जो है। उसके बाद आप इसको क्लोज करें विंडो को, बैक विंडो ये क्लोज है। उसके बाद इसका ये आप देखें एक्स्ट्रा टायर पूरा इसका फुली जाके ये लैच होगा यहाँ पे, और उसके बाद ये इसकी सेफ्टी पिन आपने वापस लगानी है। और ये इसका आपको मैंने कार्गो एरिया और ट्रंक एरिया दिखाया। फिर मैं आपको इसकी एक बात बताऊं कि इसकी रोड क्लियरेंस देखें कितना ये हाई है ज़मीन से, एक्चुअली ये ऑफ रोड है। इसके टायर आप ये देखें कितना गैप है, कितने बड़े टायर हैं, इसका सस्पेंशन देखें कितना दूर है, और अगर आप पीछे आके इसका नीचे से देखें तो इसकी रोड क्लियरेंस कितनी ज़्यादा रोड क्लियरेंस है, ये रियल ऑफ रोड है, रियल ऑफ रोड ये SUV है। आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप को सारी इन्फॉर्मेशन हमर H2 के बारे में मैंने दी है कि ये AMG ने एक्चुअली जो मिलिट्री की व्हीकल बनाते हैं उन्होंने बनाया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद GMC, वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी रिलायबल
और वेरी ड्यूरेबल बॉडी है, जो इसकी खसूसियत है, ये 3 लाख से 5 लाख मील तक आप इसको चला सकते हैं। और इसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सारा मिलिट्री की गाड़ियों वाला किया गया है, जो इसका स्टाइल भी अगर आप देखें तो पूरा मिलिट्री की गाड़ी वाला स्टाइल है। और इसकी अगर मैं एंड में बात करूं प्राइस टैग की, तो ये 2007 में जब बिल्ड हुआ लास्ट 6.0 लीटर का, उस वक्त इसकी कीमत 60,000 US डॉलर थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह सुबहाना व ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में देते हैं इसकी राइड, तो सबसे पहले अपनी आप बेल्ट जो है फैसन कर लें बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। तो लेट्स गो। अब ये इसका गियर लीवर, जहाज़ की तरह आप देखें, ये प्रेस बटन, वी पुट ऑन टू द ड्राइव, ड्राइव मोड, रिलीज द पार्किंग ब्रेक एंड लेट्स गो। Speed.